हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में कुछ नया और बेटर करने का ट्राई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस के टॉपिक के ऊपर। जो बचे क्वेश्चंस हमारे पास में थे गेट 2023 के ईयर में, आज हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था, गेट 2023 के पेपर में। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में है, कंसिडर अ वेक्टर फील्ड। एक हमारे पास में वेक्टर फील्ड वी गिवन है, ठीक है, वेयर आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई जेड डायरेक्शंस रिस्पेक्टिवली। द डाइवर्जेंस ऑफ वी एट द पॉइंट 1, 2, 1 हमसे पूछा गया, राउंडेड टू 1 decimal place, ठीक है। तो क्या हमारे पास में गिवन है, एक वेक्टर फील्ड गिवन है, जो कि हमारे पास में क्या है, एक्स क्यूब आई कैप प्लस 2y² xj कैप प्लस 0.5 z भी है, ठीक। तो क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पर 0.5 z k कैप, ठीक। और हमारे पास बोला गया है एक आई जे एंड के आर द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई जेड डायरेक्शंस रिस्पेक्टिवली। हमसे पूछा गया डाइवर्जेंस की वैल्यू क्या होगी। तो डाइवर्जेंस हम कैसे निकालते हैं, अगर आपने बेसिक लेक्चर्स देखा होगा हमारे प्लेलिस्ट में, जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, वहाँ पर आपको दिख जाएगा ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया था कैसे निकालते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर वी कैसे निकालते हैं, हम लोग लिखते हैं डेल डॉट वी करते हैं, ठीक है। डेल क्या होता है हमारे पास में, डेल होता है डो अपॉन डो एक्स आई कैप प्लस डो अपॉन डो वाई जी कैप प्लस डो अपॉन डो जेड के कैप। और क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ में, जो वेक्टर हमारे पास में गिवन है। वेक्टर हमारे पास में क्या गिवन है, एक्स क्यूब आई कैप प्लस 2y² xj कैप यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है। और क्या आएगा हमारे पास में, प्लस 0.5 z k कैप, ये होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, तो i डॉट i करेंगे तो 1 आ जाएगा, और डो अपॉन डो एक्स निकालेंगे एक्स क्यूब का, तो क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा, प्लस जे डॉट जे करेंगे तो 1 आएगा, और डो अपॉन डो वाई निकालेंगे इस फंक्शन का 2y² x का, तो क्या आ जाएगा, x कांस्टेंट की तरह काम करेगा, और 2y² का डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, 4y आ जाएगा, और x कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है। प्लस k डॉट k करेंगे तो 1 आएगा, डो अपॉन डो z करेंगे 0.5 z का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 0.5 आ जाएगा, z का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा पार्शियली z के रिस्पेक्ट में, ठीक। किस पॉइंट पर निकालना था हमें, एट 1, 2, 1 पे निकालना है। यहाँ पे देखिए पॉइंट गिवन है 1, 2, 1 पे, दैट मींस x की वैल्यू 1 रखनी है, y की वैल्यू 2 रखनी है, और z की वैल्यू 1 पुट करनी है इस इक्वेशन में, ठीक है। तो क्या आएगा बताइए मुझे, यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर दिया मैंने, y की वैल्यू क्या करना है, 2 पुट करना है, तो 4 × 2 = 8, और x की वैल्यू 1 पुट किया प्लस 0.5, सो विच विल गिव मी नथिंग बट 8, 3, 11 और 0.5, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 11.5 हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 11.5 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। 11.5 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बेसिक सा क्वेश्चन था, सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के पेपर में। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के पेपर में पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन 2 marks के लिए पूछा गया था, ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था, वो भी सेम पेपर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के पेपर में। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में सेम पेपर में वेक्टर कैलकुलस 3 marks के लिए पूछा गया था इन टोटल पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के पेपर में। तो आप उससे इसका अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको दिख जाएगा कि जब भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो आसान ही होते हैं और वो बनाने लायक होते हैं क्वेश्चंस। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते वेक्टर कैलकुलस से,
तो आप इस टॉपिक को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे पास में पूछा गया था, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ, एक हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ, जिसका हमें क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है किस पॉइंट पर, एट पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप प्लेलिस्ट एक बार भी खोलेंगे ना, आपको दिख जाएगा कि हर एक प्लेलिस्ट में, हर एक लेक्चर में इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट अ पॉइंट पी इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में। ये क्वेश्चन हर एक ईयर में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन एकदम फेमस है वेक्टर कैलकुलस के टॉपिक में। अगर आपने एक दिन में अगर वेक्टर कैलकुलस पढ़ा है और अगर आपने दो तीन लेक्चर्स अगर मेरे देखे हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि ये वाला क्वेश्चन कितना फ्रीक्वेंट है गेट के पेपर में, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, और ये जो पर्टिकुलर टाइप है क्वेश्चन का, ये तो आपको एकदम फिंगर टिप पे होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, हम निकालेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ग्रेडियंट, ठीक है, डेल ऑफ एफ। कैसे निकालते हैं डेल ऑफ एफ, डो अपॉन डो एक्स आई कैप प्लस डो अपॉन डो वाई, डो अपॉन डो वाई जे कैप प्लस डो अपॉन डो जेड के कैप। किसका निकालना है, फंक्शन क्या है हमारे पास में, फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ही आप इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट मीन्स ग्रेडियंट निकालेंगे सॉरी, तो क्या आएगा हमारे पास में, सबसे पहले इस पूरे फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा बताइए, एक्स के रिस्पेक्ट में जब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे पूरे फंक्शन को, तो क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर आएगा। बाकी जो फंक्शन है वाई और जेड कॉन्स्टेंट बिहेव करेंगे, तो उनका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो इंटू आई कैप प्लस। अब क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आएगा बताइए, y के रिस्पेक्ट में जब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, फोर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एट वाई, और एक्स क्यूब और जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारे पास में, डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, दे विल बिहेव एज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, जे कैप प्लस। जब इस पूरे फंक्शन को z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, टू जेड आ जाएगा और के कैप आ जाएगा, ठीक है। तो किस पॉइंट पे निकालना था हमें बताइए, एट पॉइंट P जो कि था हमारे पास में 2, 1, 3, ठीक है, ये हमारे पास में क्या था, पॉइंट P था। तो पुट कर देंगे x की जगह पे 2 पुट करेंगे, y की जगह पे 1 और z की जगह पे 3 पुट कर देंगे, ठीक है, आई होप क्लियर है। तो क्या आएगा हमारे पास में, x की जगह पे 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 2 4, 4 3 12 आई कैप प्लस, y की जगह पे 1 पुट करना है, z की जगह पे 3 पुट करना है, सो 3 2 2 6, ठीक है, ये आ गया। तो ये आ गया हमारे पास में ग्रेडियंट की वैल्यू किस पॉइंट पर, एट पॉइंट 2, 1, 3। अब क्या करना है, उस किस डायरेक्शन में निकालना है, हमें वी वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है, दैट मीन्स 3i कैप माइनस 4k कैप इस डायरेक्शन में निकालना है उसका डायरेक्शन डेरिवेटिव। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे ग्रेडियंट डॉट वी वेक्टर अपॉन v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही करते हैं अपन, ठीक है। तो हमारे पास में ग्रेडियंट की जो वैल्यू है वो क्या है, 12i कैप प्लस 8j कैप प्लस 6k कैप। क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ में, जिस डायरेक्शन में निकालना है, सो 3i कैप माइनस प्लस 0j कैप माइनस 4k कैप। मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया जिससे कि आसानी होगी मुझे डॉट निकालने में, ठीक है, अपॉन रूट ओवर ऑफ, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट ओवर ऑफ 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 16। तो यहाँ पर आप बताइए मुझे क्या आ रहा है, भारतीय 36, ठीक है, और आ जाएगा हमारे पास में यहाँ से 6 चौके 24, यही आ रहा है, 16 और 9 25 का रूट करेंगे 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 36 में से 24 चला जाएगा तो बचेगा 12/5, ठीक है। तो जैसे ही आप 12/5 करेंगे तो आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेट 2.4 के आसपास, ठीक है, जो कि हमारे पास में क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.4, ठीक है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन था वो आपको क्लियर हुआ होगा। इस
टाइप का क्वेश्चन, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आपको हर एक प्रीवियस ईयर में, आपको हर एक लेक्चर में मेरे मिल जाएगा। अगर आप प्लेलिस्ट एक बार भी खोलेंगे तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा कि इस फॉर्मेट का क्वेश्चन हर एक ईयर में आपसे पूछा गया है। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन फिंगर टिप पे आपको होना चाहिए कि आपको कैसे अप्रोच करना होता है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर एक बार डिस्कस किया हुआ है कि कैसे करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो अभी एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप जाके जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वेक्टर कैलकुलस के टॉपिक से, आप एक बार उनको जाके देखिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में इंजीनियरिंग साइंस के पेपर में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में है, द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द वेक्टर फील्ड, हमारे पास में एक वेक्टर फील्ड एफ गिवन है, हमसे पूछा गया एम की किस वैल्यू के लिए ये फील्ड कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होगा। सो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होने के लिए हमें क्या होना होता है, कर्ल ऑफ दैट वेक्टर शुड बी जीरो। ये कंडीशन हमारे पास में सेटिस्फाई होनी चाहिए। कोई भी वेक्टर जब हमारे पास में कंजर्वेटिव होता है तो उसके लिए हमारे पास में ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कर्ल निकालेंगे इस वेक्टर का। तो कर्ल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर तीनों कंपोनेंट लिखेंगे और उसको जीरो करेंगे कर्ल के साथ में। तो आई कैप, जे कैप और यहाँ पर आएगा के कैप, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा डो अपॉन डो एक्स, यहाँ पर आएगा डो अपॉन डो वाई, यहाँ पर आ जाएगा डो अपॉन डो जेड, ठीक है। और क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पर होगा ये वाला कंपोनेंट, आई वाला कोएफिशिएंट 4x^m y का स्क्वायर माइनस 2xy^m, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट होगा जे वाला कोएफिशिएंट 2x^4 y माइनस 3x^2 y², ये होगा। यहाँ पर k का कोई कंपोनेंट नहीं है थर्ड डायरेक्शन में, तो हमारे पास में वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे इस डिटरमिनेंट को, ठीक है। तो i के साथ में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, चेक करिए आप, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो डो अपॉन डो एक्स ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा और हमारे पास में सॉरी डो अपॉन डो वाई ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा और डो अपॉन डो जेड ऑफ दिस फंक्शन ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो i के साथ में कोई पार्ट नहीं आएगा। j के बात करें अगर हम, तो j के साथ देखते हैं डो अपॉन डो एक्स ऑफ जीरो वो भी जीरो हो जाएगा, डो अपॉन डो जेड ऑफ दिस फंक्शन वो भी जीरो हो जाएगा। तो j के साथ भी कोई पार्ट नहीं आएगा, तो हमारे पास में आएगा किसके साथ में, k के साथ में कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो k के साथ में आएगा, तो क्या करेंगे, डो अपॉन डो एक्स ऑफ दिस फंक्शन निकालना है हमें, तो क्या आएगा बताइए मुझे, डो अपॉन डो एक्स ऑफ दिस फंक्शन अगर हम निकालेंगे, इस पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो क्या आएगा बताइए मुझे, 8x^3 माइनस इंटू वाई माइनस 6xy² ये होगा, माइनस डो अपॉन डो वाई ऑफ दिस फंक्शन करेंगे तो क्या आएगा, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को तो क्या आएगा बताइए मुझे, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है उस फंक्शन को, तो क्या आ जाएगा, 8x^m इंटू वाई माइनस 2xy^m का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आएगा, my^m-1 यही आएगा। इक्वेट करेंगे इसको जीरो के साथ में, बस अब इसको आप ओपन कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो 8x³ (y) माइनस 6xy² माइनस 8x^m (y) प्लस 2my^m-1, ठीक या आगे। अब जैसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, m की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको m की वैल्यू सॉल्व करने से मिलेगी नहीं, क्योंकि हमारे पास में दो वेरिएबल है, ठीक है, x और y है। बट यहाँ पर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको यहाँ पर m की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, सपोज करिए ये पूरा जो फंक्शन है ये कब जीरो होगा, तो जब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों ही देखिए सेम कैटेगरी के हैं, दैट मीन्स यहाँ पर भी x की पावर है और यहाँ पर भी y है, x का क्यूब है, यहाँ पर भी x^m है। तो अगर आप m की वैल्यू को 3 पुट कर देंगे
तो आपको ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा। अगर आप m की वैल्यू को 3 पुट करते हैं तो ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप ये वाला पार्ट चेक करें, ये वाला पार्ट माइनस सिक्स एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर आप रखेंगे m की वैल्यू को अगर 3, तो क्या हो जाएगा 3, m की वैल्यू को अगर आप 3 रख रहे हैं तो ये आएगा, दैट मीन्स ये भी हो जाएगा सिक्स एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर प्लस में यहाँ पर माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स जैसे ही इस पूरे पार्ट में अगर आप m की वैल्यू को 3 पुट करेंगे तो आपको ये पूरा जो इक्वेशन है वो जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स फॉर m इक्वल टू 3 दिस होल इक्वेशन विल टेंड टू जीरो। दैट मीन्स m की वैल्यू 3 के लिए ये पूरा जो इक्वेशन है वो जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स m की वैल्यू 3 के लिए ये पूरा जो वेक्टर फील्ड है वो क्या है, कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट तरीका था करने का। ठीक है, आप इसको किसी और मेथड से भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे एकदम शॉर्ट में किया है। अगर आपको कोई और मेथड आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। बट ये शॉर्ट मेथड था जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी वेक्टर फील्ड को कंजर्वेटिव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।